हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए आलू टिक्की बर्गर बनाने जा रही हूँ, जो कि मेरे स्टाइल में है, जो कि देसी स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, हम बर्गर की स्टफिंग के लिए सैलड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कैबेज लेंगे, जो कि हमने बिल्कुल बारीक बारीक काटी हुई है, और इसमें हम डालेंगे, बारीक तो नहीं, लंबे लंबे काटे हुए प्याज, देखिए ऐसे, अब इसमें हम डालेंगे प्याज डाल दिया हमने और पत्ता गोभी यानी कैबेज डाल दिया हमने। अब इसमें हम कुछ और ऐसा कुछ खास नहीं डालने वाले हैं, इसमें हम डालेंगे, ये क्योंकि सिंपल सैलेड है तो इसके लिए हम डालेंगे काली मिर्च, नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा ही डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, और थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको बाइंड करने के लिए इसमें डालेंगे जो फ्रेश क्रीम होती है वो डालेंगे, तो इससे हमारी जो ये सैलेड है वो बाइंड हो जाएगा। तो हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे, तो इसको हम मिक्स कर देते हैं, अगर कम लगे तो और डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सैलेड रेडी हो चुका है। तो अब हम टिक्की की तैयारी करते हैं, तो टिक्की बनाते हैं, चलो। नहीं, तो टिक्की के लिए हम क्या करेंगे, पहले आलू बॉईल किए हुए हैं और इसको कद्दूकस करके रखा है। कद्दूकस इसलिए किया है क्योंकि जो इसमें जो आलू अगर हम ऐसे ही मैश करके डालते हैं तो वो थोड़े मोटे मोटे रह जाते हैं, तो हमने इसको कद्दूकस कर लिया है ताकि वो इक्वली आए। और इसमें हम डालेंगे प्याज, मटर बॉईल किए हुए हैं, सारे डाल देते हैं, अच्छे लगे। तो इसमें डालेंगे हम अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, ये अपनी हिसाब से डालें, आपको अगर मिर्ची खाना पसंद है तो खाइए, डालिए इसमें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें अदरक और मिर्च का जो पेस्ट है वो है। इसमें जाएगा थोड़ा धनिया पत्ती जो कि बारीक कटी हुई है। इसमें जाएगा नमक, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि सारी चीजों में नमक डलेगा, जो चटनी है उसमें भी नमक होगा, जो सैलेड है उसमें भी नमक होगा, इसलिए हमें अंदाजे से डालना है। थोड़ी सी रेड वाली मिर्ची, अब आप कहेंगे कि मिर्ची बहुत तेज है, पर तेज हो जाएगी, पर हम तीखा खाते हैं इसलिए थोड़ा सा मिर्ची का आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है तो। इसमें भी हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, गरम मसाला, ब्रेड क्रम्स थोड़ा सा डालेंगे, हम 2-3 चम्मच डाल देंगे, 4 चम्मच डाल दिए हमने, ये बाइंड करने के लिए होता है कि जो हमारी टिक्की है उसको, हम आलू टिक्की है जो, उसको बाइंड करने के लिए। तो चलिए अब इसको मिक्स करते हैं, अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये हमारा जो टिक्की का मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। अब हम जो टिक्की के ऊपर कोटिंग करते हैं जब तलने से पहले, तो उसके लिए हम बता देते हैं कैसे बनाएंगे। हमें मैदा चाहिए, 4 चम्मच मैदा लेंगे हम, चार पांच चम्मच अंदाजे से ले लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ हमें पतला गोल बनाना है इसका।
इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर है, ये अंदाजे से थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, बस बहुत है, ये एक चम्मच के करीब है, ले लेंगे। और इसको हम पतला और इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। तो इसमें हम पानी डालेंगे और इसको पतला घोल बना लेंगे, ज्यादा पतला नहीं, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से पतला घोल बना लिया और ये हमारे हैं ब्रेड क्रम्स। चलिए हम टिक्की बनाना शुरू करते हैं। Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. बनने वाली है एकदम करारी करारी बनेगी। साइज इसे छोटा रख सकते हो। कच्ची है तो ये हमारी करारी करारी टिक्कियां बनके तैयार हो चुकी हैं। तो हम इसको अच्छे से नैपकिन में निकाल देते हैं ताकि ये जो इसका ऑयल है ये निकल जाए। बिल्कुल करारी करारी बनी है, देखिए, देखने से ही पता लग रहा होगा आपको, एकदम करारी। इसी तरह से हम सारी टिक्कियां बना लेंगे। तो टिक्कियां हमारी बन चुकी हैं, अब हम बर्गर बनाने की तैयारी करते हैं। और बर्गर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे बन है उसको बीच में से हम काट देंगे और कुछ इस तरह से ऐसे बीच में से काट देंगे और इनको हम तवे पे हल्का हल्का सेक लेते हैं। तो ब्रेड पे हमने थोड़ा थोड़ा घी लगा दिया है, जो ये इसके बन है, ब्रेड बन। हल्का हल्का सेकेंगे, ज्यादा नहीं। कई लोग डीप फ्राई भी करते हैं, हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं पर डीप फ्राई नहीं करेंगे, हल्का हल्का करेंगे। तो हम बर्गर की बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, इसमें हम पहले सबसे पहले बर्गर का बन लेंगे और एक बन पे ये जो है हमारी सेजवान चटनी, जो कि मैंने घर पे ही बनाई थी। अगर आप इसको, इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली जो रेसिपी है मोमोज बनाए थे तो उसमें देख सकते हैं आप।
और एक बन पे हमने ये शेजवान चटनी लगाई है। और एक पे हम ये चटनी, ग्रीन चटनी है जो, वो लगाएंगे। जो ग्रीन चटनी है वो हमने धनिया, अदरक और मिर्ची की बनाई है, और इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा नींबू डाला है, तो इसी की चटनी बनाई है। एक पे हम ग्रीन लगाएंगे। हम नीचे वाला जो है ऐसे देखिए, इस पे ही बनाएंगे जिस पे हमने सेजवान चटनी डाली है। इस पे हम सैलेड रखेंगे, तो इसमें हम सैलेड डालेंगे जो हमने बनाया हुआ है। इसके ऊपर हम टिक्की रखेंगे। इसके ऊपर हम टिक्की रखेंगे और आप इसमें थोड़ा सा, ये देखिए इसमें जो सैलेड है, सैलेड के ऊपर थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे। धनिया आप मर्जी है, वैसे मुझे अच्छा लगता है, तो टिक्की डालें। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे एक स्लाइस चीज़ स्लाइस, और इसमें रखेंगे हम टमाटो। अगर आपके पास खीरा हो तो खीरा डाल दीजिए, तो और भी टेस्ट आ जाएगा। तो इसमें खीरा डाल सकते हैं, हमारे पास खीरा नहीं है तो हमने टमाटर ही डाला है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, के ऊपर डालेंगे हम सॉस, और फिर हम बन ऐसे बंद कर देंगे। तो हमारा ये रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारे ये आलू टिक्की बर्गर रेडी है और खाने के लिए, तो आप इसे सॉस के साथ खाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो बर्गर की, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।